ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिले. थोड़ा सा यहाँ पे इश्यूज हो गया था सेंटर में. तो टुडे वील बी बिगनिंग विद द फर्स्ट सेशन. एवरी वीकेंड वील बी हैविंग सेशन ऑन सैटरडे एज वेल एज संडे, जिसमें वी विल बी कवरिंग डिफरेंट पोर्शन ऑफ द कंटेंट. जो पूरा करिक्युलम है CP1 का, वील बी डूइंग अ क्विक रिविजन ऑफ द इंटायर करिक्युलम. तो सबसे पहले आज का सेशन विल बी डूइंग चैप्टर 0 to 7, विच मीन्स बेसिकली द फर्स्ट टू सेक्शन ऑफ द करिकुलम. इफ यू डिवाइड द करिकुलम इन टू द 10 स्टैंडर्ड पार्ट, तो पहला दो सेक्शन हम लोग आज कवर करेंगे. सो विल बी कवरिंग दीज 8 चैप्टर्स: इंट्रोडक्शन एक्चुअरियल एडवाइस, एक्सटर्नल एनवायरमेंट रेगुलेशन, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड कस्टमर नीड्स, benefits overview and providers of benefits, and then we go on to the life insurance and general insurance products. ठीक है, तो what is the structure of the class going to be? तो these all the classes are going to be for 2 hours. 2 hours का sessions होगा. उसमें first 40 minutes approximately I will be discussing, and rather I will be telling you all the focus areas of each chapter. I will also be telling you all कि कहाँ से क्या चीज को पढ़ना है. सो दैट ये सब जो पोर्शन है आई एम नॉट सेइंग कि एग्जाम में यही आएगा, बट फ्रॉम एवरी चैप्टर आई हैव टेकन आउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप लोग को टूवर्ड्स द एंड ऑफ द टूवर्ड्स द एंड ऑफ योर प्रेपरेशन, विच मीन्स एग्जाम के जस्ट पहले अगर आप लोग को मटीरियल से कुछ भी रिवाइज करना है, सो दीज आर द पोर्शन यू शुड फोकस ऑन फ्रॉम एवरी चैप्टर. नाउ CP1 का जो पेपर स्ट्रक्चर है, यू विल नो इफ यू सीन पास्ट पेपर्स, यू विल नो दैट देर इज नथिंग स्पेसिफिक कि ये डायरेक्टली बुक से आता है. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन द पेपर विल बी क्वेश्चन वेर यू हैव टू अप्लाई योर नॉलेज. डायरेक्टली बुक से लेके बहुत कम चीज आते हैं. तो आई हैव चोजन दोज पोर्शन. नंबर वन, जो कुछ लिमिटेड बुक वर्क क्वेश्चन आते हैं वो वाले पार्ट, एंड नंबर टू आई हैव चोजन दोज पार्ट जहां से आपको एप्लीकेशन के लिए पॉइंट ज्यादा मिल पाए. ऑल राइट, सो I would suggest ki these areas, if you cover from every chapter, you should be good to go from point of view of the CMP or the compiler. Coming to the past year questions ke bhi I have created lists for every section. Wo list also I will be giving you all. From that list, you go through those questions. So every section, you will be having a proper overview of every section. So those questions also we will do. एंड इसके अलावा क्लास में, सो दैट वी कैन हैव अ प्रैक्टिस ऑफ हाउ टू गो अबाउट क्वेश्चंस, हाउ टू जेनरेट पॉइंट्स क्विकर, वी विल बी डिस्कसिंग अ फ्यू क्वेश्चंस और केस स्टडीज इन द क्लास इटसेल्फ. द फर्स्ट 40 मिनट्स वील डू द मार्किंग्स, और आई विल टेल यू ऑल द फोकस एरियाज. आई हैव ऑल्सो एडेड द फ्लो चार्ट्स फॉर एवरी चैप्टर इसी PPT में. आप लोगों को ये पीपीटी शेयर हो जाएगा आफ्टर द क्लास. सो वंस यू हैव द पीपीटी, इट विल बी लाइक एन ओवरऑल समरी ऑफ एवरी चैप्टर. देन फॉर 30 मिनट्स आई विल बी गिविंग यू ऑल द क्वेश्चंस, एंड आप लोग खुद 30 मिनट्स तक उसके बारे में पॉइंट्स सोचोगे. राइट, सो दैट विल बी कंप्लीटली एन इंडिविजुअल टास्क वेर यू विल देर विल बी जैसे आज के क्लास में अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस होंगे. हाँ, आज के क्लास में अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस होंगे. सो इन दोस 30 मिनट्स यू हैव टू ट्राई एंड जेनरेट पॉइंट्स फॉर दोस 7 to 8 क्वेश्चंस, आफ्टर विच वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द पॉइंट्स. आई विल आल्सो गिव माय इनपुट्स, वी विल सी द सॉल्यूशन, वी विल सी द पॉइंट्स यू ऑल हैव रिटन, एंड देन वी कैन हैव अ गुड डिस्कशन ऑन दोस क्वेश्चंस. उसके बाद वी विल टेक अ फ्यू डाउट्स, एंड वंस द सेशन इज ओवर, once the session is over, you have to go through the marked areas and do the homework questions which I said I have segregated from every section. All right, jo past papers hai and plus a few references from the compiler. Compiler ke bhi kuch questions I have named jisko you have to go through. Okay, any doubts anyone? Or anyone wants anything else out of these sessions which you want me to incorporate from tomorrow? Good to go. So then let's begin.
Beginning with the first chapter, which is chapter zero. इसमें ऑफ कोर्स चैप्टर जीरो जो है वो एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है. आई वुड सजेस्ट दैट इफ यू हैव द टाइम, इट वोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट यू मस्ट रीड थ्रू द चैप्टर वंस इफ यू हैवंट ऑलरेडी. पूरे चैप्टर को एक बार रीड करो, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ आइडियाज इन द चैप्टर, विच मीन्स कि चैप्टर को एक चीज पे फोकस नहीं कर रहे. आपको इन जनरल एक ब्रॉड व्यू मिलेगा ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि यूज हो सकते हैं. तो आइडिया जनरेशन में रीडिंग दैट विल हेल्प. सीपी वन में दी ओनली थिंग दैट कैन हेल्प यू आउट इज नॉट मार्किंग अप द करिकुलम, और इट इज नॉट मेकिंग श्योर कि यू नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट व्हाट इज नॉट. द मोर यू रीड, द मोर यू आर अवेयर, द बेटर यू विल बी एबल टू परफॉर्म. क्योंकि उतना ज्यादा आप पॉइंट्स सोच पाओगे, उतना ज्यादा योर थॉट्स विल बी एबल टू मूव फास्टर ड्यूरिंग द एग्जाम, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स. हो सकता है आप लोग अपार्ट फ्रॉम द एग्जाम, मे बी आफ्टर द एग्जाम यू कैन थिंक ऑफ मेनी पॉइंट्स, बट अगर एग्जाम में बैठे बैठे एट दैट स्पीड इफ यू आर नॉट गेटिंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉइंट्स, देन इट इज ऑल इन वेन. तो इसीलिए दिस चैप्टर इज अ वेरी गुड रीडिंग, बिकॉज इट गिव्स अ व्यू ऑन मेनी थिंग्स. आपको बहुत सारा अलग अलग टॉपिक्स के बारे में आइडिया मिलेगा इससे, एंड ऑफकोर्स फोकस एरिया विल बी द एक्चुअल कंट्रोल साइकिल. ओके, एक्चुअल कंट्रोल साइकिल क्विकली, इफ एनी वन कैन टेल मी वॉट इज ACC? हाँ, तो ये काइंड ऑफ एक फ्रेमवर्क है, एक प्रोटोकॉल है, जहाँ से अगर कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर आएगा सो वी कैन फोकस ऑन ईच ऑफ दी सेगमेंट टर्न बाय टर्न, ताकि एक सोल्यूशन तक आ पाए. एंड एक 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 सेगमेंट में इसके स्टेप सीखने पड़ते हैं, तो यही है ACC बेसिकली. क्या सिर्फ सोल्यूशन तक आना इज द एंड गोल? नहीं, लाइक पूरा पहले प्रॉब्लम का अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, फिर सोल्यूशन डेवलप करना पड़ेगा, फिर उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, राइट, फिर कोई एक्सटर्नल फैक्टर है, एनवायरमेंट है, उसके बारे में लिखना पड़ेगा, पूरा कंप्लीट एंड टू एंड तक. करेक्ट करेक्ट. तो ACC इज एन एंटायर प्रोसेस एंड इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, व्हिच इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ साइकिल. It does not start and end at specific points. It's a continuous thing. क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम को जब से हम लोग स्पेसिफाई करेंगे, then we will make a solution, we will implement it, and after implementation, we will have to continuously monitor it because we stay in a very dynamic environment. तो इसीलिए हम लोग को बार बार उसको मॉनिटर करके अपडेट करना होगा, and at the same time, we will have to take care of two things. First is the general commercial and economic environment, as Ritam correctly pointed out, any external factors that are affecting us. And secondly, we will also have to take care of the professionalism aspect, because we, end of the day, are professionals. So we have to maintain that professionalism throughout the cycle. Okay? So ACC ke upar kafi questions hai for practice also. Whenever you get a question on ACC, this diagram that I have attached, I've put on the PPT, ये एक framework की तरह है. Any question you get on ACC, you can make use of this framework and expand on these points. तो for example, I will give you an example कि मान लो उन लोग एक ठो situation देंगे where you as an actuarial have to apply the ACC, or they might not directly say कि ACC apply करना है. They can say it indirectly that how can you as an actuary help, or what are the steps that will be required to implement this product. ऐसे करके indirectly also they can ask. So you have to understand that it is an ACC question. And जैसे ही समझ आ जाए ACC question है, इस box के आगे जाने का chances बहुत कम है. क्योंकि ये बॉक्स में आपको मोर और लेस सारा पॉइंट्स मिल जाएगा जो आपको अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करने हैं. ऑफ कोर्स एवरी पॉइंट यू विल हैव टू ट्वीक अ लिटिल सो दैट इट सूट्स द सिचुएशन. सो फॉर एग्जांपल, कोई भी अगर प्रोडक्ट के बारे में बात हो रहा है, तो उसका रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट, विच मीन्स कि व्हाट आर द रिस्क दैट आर कमिंग अप. क्योंकि जो रिस्क उठेगा वही हम लोग का प्रॉब्लम होगा, राइट. कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन, अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बट हो सकता है इन एन ऑल्टरनेट सिचुएशन वेयर देर इज नो न्यू प्रोडक्ट, देन कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन माइट नॉट मैटर. क्योंकि वहां पे कोई डिजाइनिंग नहीं है,
वहां पे वी ओनली हैव टू फोकस ऑन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. तो स्पेसिफाइंग द प्रॉब्लम वाले स्टेज में वहां पे लिमिटेड होगा कि वी जस्ट हैव टू सी कि प्रॉब्लम में क्या क्या एस्पेक्ट्स है, राइट. फिर डेवलपिंग द सोल्यूशन में मोर और लेस ऑल सिचुएशंस रिक्वायर दीज पॉइंट्स. 95% ऑफ द सिचुएशंस विल रिक्वायर ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स बिकॉज सोल्यूशन हमेशा स्टार्ट होगा मॉडलिंग से. Whenever, as actuaries, we are developing the solution to something, we have to begin with modeling. And जैसे ही modeling आता है, modeling के साथ आता है, we need the data, we need the appropriate assumptions, and then using that model, how you will move ahead. That will depend on the problem that has been given to you. उसके बाद में monitoring, again monitoring standard रहता है. For any problem, monitoring will be standard. You will have to use the keywords, jaise experience analysis, etc. And then general commercial economic environment or professionalism mein, professionalism remains standard again, just like monitoring. Wo more or less sab mein same hi jayega. General commercial economic environment, you will have to see ki us particular situation mein kya kya factors strongly predominant hai. All right? तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज एसीसी का ये वाला टेबल को यूज करके एंड वंस यू गो थ्रू द क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग यू ट्राई एंड प्रिपेयर अ फ्रेमवर्क फॉर एसीसी आंसर. उसमें यू पुट इन ऑल द पॉइंट्स अंडर स्पेसिफाइंग द प्रॉब्लम जो आपको लगता है आ सकते हैं, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको बैठ के सोचना नहीं पड़े कि क्या क्या पॉइंट्स हम लोग इसमें लिख सकते हैं. यू विल हैव अ सेट ऑफ लेट्स से 8-9 पॉइंट्स रेडी. उसमें से यू कैन सी विच वंस टू फिल्टर आउट डिपेंडिंग ऑन व्हाट सिचुएशन इज गिवन. दैट वुड बी अ वेरी हेल्पफुल थिंग, क्योंकि एसीसी का एक क्वेश्चन हम लोग यूजुअली ईदर ऑफ द पेपर्स में एक्सपेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, सो दिस फ्लो चार्ट ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद, क्लासेस में यही यूज होते हैं. आई हैव पुट दिस फ्लो चार्ट ऑल्सो फॉर एवरी चैप्टर बिकॉज दिस गिव्स अ सुपर क्विक रिविजन. इट इज सुपर एफिशियंट बिकॉज एक बार में यू कैन कवर long long chapters. All right, and also यहाँ पे कुछ कुछ वो भी है, mnemonics भी है. जैसे ये create grand list है, create grand list actually external environment में जब जाएंगे तब हम लोग को समझ में आएगा उसमें क्या क्या points आ रहे हैं. But in all the flowcharts there are some mnemonics which can help you remember. This is specially for IAI students जिनके पास open resources नहीं रहेंगे. But this time again IAI is doing online, but I'm sure उन लोग का proctoring system होना चाहिए. तो it will not really be an open book exam. For IFO students definitely ये flowcharts handy रखना is very helpful. Next chapter we have actuarial advice. तो actuarial advice में अगेन दिस इज जो इनिशियल चैप्टर्स है ऑल ऑफ देम आर प्रिटी ईजी, बट एट द सेम टाइम दे बिल्ड योर बेस. तो इसीलिए ये सब चैप्टर्स से आपको जितना आइडियाज मिलेगा आगे जाके एज द चैप्टर्स बिकम मोर स्पेसिफिक यू विल हैव अ स्ट्रॉन्गर बेस इफ यू फोकस ऑन दीज चैप्टर्स फ्रॉम द बिगनिंग. तो एक्चुअल एडवाइस में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज डेफिनेटली स्टेक होल्डर्स. अगेन स्टेक होल्डर्स इज वन टॉपिक जो nearly every attempt we see in some form or the other. Bahut questions aaye hain stakeholders pe in some way or the other. To stakeholders mein what all do you need to know? You need to know a list of stakeholders jo koi bhi situation mein ho sakte hain, jinko actuaries can advise, and those who will be affected by the advice. To stakeholders, unke bare mein two things. Name of the stakeholder to hai. नंबर वन विल बी उनका क्या नीड्स है या फिर व्हाई आर दे अफेक्टेड, एंड सेकेंडली इज हाउ आर दे अफेक्टेड, विच मीन्स दैट एक्चुअरियल एडवाइस तो आप दे दोगे बट हाउ विल दे बी अफेक्टेड बाय दैट एडवाइस. ओके, सो टू थिंग्स. तो आई हैव रिटन एटलीस्ट वन टू टू वेज ऑफ ईच स्टेक होल्डर हाउ दे आर अफेक्टेड एंड विच एरियाज डू दे वॉन्ट एडवाइस ऑन. ओके, तो ये दोनों चीज यहाँ पे आई हैव अटैच्ड एन एग्जांपल आल्सो फॉर फोर स्टेक होल्डर्स कोई भी प्रोडक्ट के बारे में. तो फॉर एग्जांपल लेट्स लुक एट ट्रस्टीज ऑफ बेनिफिट स्कीम्स. उनको हम लोग क्या क्या एडवाइस दे सकते हैं एज एक्चुअरियल प्रोफेशनल्स. वी कैन गिव देम एडवाइस ऑन मैनेजिंग एसेट्स ऑफ द स्कीम,
paying the benefits promised under the scheme as they fall due and maintaining solvency. So these are the areas where they can ask for advice or where we can help them. Yeah, aise hi you can make add another column where you will be talking about how they are affected by the advice. So for example, trustees. Trustees kaise affect honge? Trustees ka let's say maybe their remuneration depends on it. Remuneration depends on what kind of advice we give. They will also be in charge of running the entire scheme. So isiliye how well the scheme runs will show on their reputation as well. So these are examples ki aap kaise ek list prepare kar sakte ho of all the possible stakeholders, what advice they can take from us and how they will be affected if we advise anyone. अच्छा, आई होप मेरा वॉइस क्लियर है, कट नहीं हो रहा है बीच में. बाय चांस अगर कभी भी आप लोग को लगे कि मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है या फिर मेरा वॉइस आ नहीं रहा है, तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख देना एक बार. ओके, बिकॉज कभी कभी थोड़ा ग्लिच होने के कारण इट स्टॉप्स. तो आई विल नो इफ यू ऑल जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स वंस. ओके, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, नेक्स्ट वी कम टू टाइप्स ऑफ एडवाइस विच मीन्स की फैकल्टेटिव रिकमेंडरी है या कैसा है. टाइप्स ऑफ एडवाइस पे एक शॉर्ट नोट यू विल फाइंड इट इन द उसमें भी आपको मिलेगा, यहाँ पे भी फ्लो चार्ट में भी है. टाइप्स ऑफ एडवाइस में फैक्चुअल है, इंडिकेटिव है एंड रिकमेंडेशन है. तो अ शॉर्ट नोट ऑन दिस माइट ऑल्सो कम इफ दे वॉन्ट टू, स्पेशली फॉर IAI स्टूडेंट्स, क्योंकि IAI में क्लोज बुक होते हैं तो वहां पे ये सब क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू IFOA. तो इसीलिए IAI स्टूडेंट्स के लिए ऑल दीज शॉर्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द लास्ट एरिया विच आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट. तो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट में बेसिकली यू विल हैव टू talk about how the advice which the actuary will give, there will be different stakeholders. So they will have to cater to all stakeholders, but there will definitely be conflicts of interest because some stakeholder will, let's say, want profitability to go higher, but there will be some stakeholders that will want the quality to be maintained. So they don't care so much about the profitability, they care more about the quality, right? So or let's say agar employees hai, एंड मान लो एम्प्लॉयज है एंड मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट विल वॉन्ट द एम्प्लॉयज टू वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स. एम्प्लॉयज विल वॉन्ट टू हैव अ गुड वर्क एनवायरमेंट एंड वॉन्ट मोर फ्लेक्सिबल आवर्स. सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट. इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं. तो इसमें अगेन यू विल हैव टू कीप इन माइंड ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड सी कि कहाँ कहाँ पे कैसा कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं. आई थिंक नहीं, फ्लो चार्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट के बारे में ज्यादा बात नहीं है. सो दिस इज जस्ट अ जनरल टॉपिक टू थिंक अबाउट. इफ यू वॉन्ट यू कैन रीड इट ऑल्सो इन द कंपाइलर चैप्टर में, यू कैन रीड अबाउट इट सो दैट अगर एग्जाम में आए तो यू आर एबल टू राइट. ओके, यहाँ पे फ्लो चार्ट में दे हैव गिवन 14 स्टेक होल्डर्स. 14 स्टेक होल्डर्स है, सबके बारे में डिटेल्स भी है. यहां से यू कैन हेल्प, यू कैन टेक हेल्प एंड प्रिपेयर योर ओन लिस्ट. नेक्स्ट वी कम टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. अगेन इससे एक क्वेश्चन दोनों पेपर में से मिला के आई जाते हैं, वेर यू हैव टू टॉक अबाउट डिफरेंट फैक्टर्स इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट आर गोइंग टू प्ले अ रोल इन योर सिचुएशन. तो आई हैव मेड दिस टेबल, इसमें बहुत सारे एक्सटर्नल एनवायरमेंट के फैक्टर्स हैं एंड प्लस उनके बारे में शॉर्ट में लिखा हुआ भी है. इफ यू डू दिस टेबल वेल, इट इज गुड इनफ फॉर दिस चैप्टर. इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस टेबल, यू मस्ट फोकस ऑन एनवायरमेंट, क्लाइमेट एंड टेक्नोलॉजी एज एक्सटर्नल फैक्टर्स बिकॉज दीज आर वेरी अपकमिंग एंड दीज आर नेचुरली द फोकस इन एग्जाम्स. तो इसीलिए एनवायरमेंट, क्लाइमेट और टेक्नोलॉजी के ऊपर इवन इफ यू फाइंड पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस, यू कैन कलेक्ट पॉइंट्स ऑलवेज. पहले भी आई थिंक आई हैव टोल्ड यू ऑल, आई हैव नॉट हैड मेनी क्लासेस विद दिस बैच, बट ऑफ कोर्स जिन लोग पहले या तो मेरे से पढ़े हैं या फिर वन क्लास आई हैव टेकन,
कीप द वर्ड डॉक. अभी भी टुडे इट इज जस्ट 9th of March. फॉर आई फोर स्टूडेंट्स ऑल्सो यू हैव वन फुल मंथ. आई आई के लिए थोड़ा और टाइम है. तो स्टार्ट मेंटेनिंग द वर्ड डॉक्यूमेंट इफ यू हैवंट ऑलरेडी, जहां पे यू आर थ्रोइंग इन वर्ड्स रिलेटेड टू कीवर्ड्स. तो मान लो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट से रिलेटेड कहीं भी यू रीड, whether it's during reading your curriculum ka chapters, whether it's solving any past paper, whether it's in the mock ka solution, kahin pe bhi aapko kuch bhi achha point mile related to environment, related to climate, related to technology, just put in that point. Kyunki ho sakta hai hum log bahut baar preparation ke time we intake so much of content ki hum log ko end of it bahut sara content ud jata hai hum log ke mind se. तो उसको उड़ने नहीं देना. इफ वी हैव स्पेंट टाइम रीडिंग इट देन वी मस्ट बी एबल टू यूज इट इन द एग्जाम. तो इसीलिए एटलीस्ट जो जो चीज आज डिस्कस हो रहा है वो सब चीज का वर्ड डॉक्यूमेंट आज से एक्टिवली प्रिपेयर करना स्टार्ट करो. ओके, डोंट जस्ट डू पैसिव प्रिपरेशन. आई नो मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी वर्किंग, तो बाय द टाइम यू कम होम टू स्टडी बहुत ज्यादा टायर्डनेस होता होगा. बट इट्स जस्ट वन मंथ. ये वन मंथ इफ यू डू एक्टिव प्रिपरेशन, ट्रस्ट मी यू विल फील सो मच बेटर आफ्टर द एग्जाम्स, क्योंकि यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर. आपको इट इज नॉट नेसेसरी कि हो सकता है वो वर्ड डॉक्यूमेंट आपको बहुत काम आए एग्जाम में, बट बिकॉज ऑफ दैट यू विल फील सम कॉन्फिडेंस इनसाइड यू कि हाँ अगर कुछ भी आएगा आई हैव अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन विथ मी. That is there in a solid form. I don't have to rely on my mind completely. And वो confidence भी trust me बहुत help करता है exam में. Because end of the day आप जितने present होगे exam में उतना ज्यादा आप सोच पाओगे, उतना ज्यादा आप लिख पाओगे. ठीक है. तो environment, climate and technology as factors पे you must focus a lot. यहाँ पे भी I have given a few points for all these three. तो ये वाला table को study करके you all can prepare. यहाँ पे again in the flow chart they have spoken about, as I had said, कि create grand lists जो mnemonic है, इसमें they have actually covered all the factors of the external environment. तो अगर आपको कभी भी कोई long question आता है, if you are lucky and you get a very direct question that list the factors of the external environment that are going to affect this particular situation or this particular product, तो यू कैन जस्ट थिंक ऑफ दिस निमोनिक एंड आप हर लेटर से जो भी फैक्टर है उसको, आई एम श्योर बाय नाउ ऑल ऑफ यू आर मास्टर्स इन स्टोरी टेलिंग. तो एक बार आपको सिर्फ एक कीवर्ड मिल जाए उसको रिलेट कैसे करना है सिचुएशन से बिकम्स वेरी इजी. तो जस्ट नोइंग द कीवर्ड. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आ जाता है सोशल एंड कल्चरल ट्रेंड्स, तो देन depending on the product ki how is society or how is culture becoming a part of it or how is it related, you can easily write 1 to 2 lines on that. Okay, then we have regulation. Regulation again, it is I would say a very 50-50 chapter. It is not very important also, but it is not very unimportant also. तो इसमें definitely information asymmetry is a key topic. Information asymmetry पे past year में भी बहुत questions पूछे गए हैं. Information asymmetry क्या होता है? You have to know properly. What are the concerns from either end? From the because information asymmetry is not always that the company knows more and the consumer knows less. Sometimes it is also that the consumer knows more and the कंपनी नोज लेस. तो इसीलिए फ्रॉम ईदर साइड यू विल हैव टू नो कि क्या क्या टाइप के या क्या क्या रीजन हो सकते हैं दैट गिव राइज टू इंफॉर्मेशन एसिमेट्री. एंड आफ्टर दैट यू ऑल्सो हैव टू नो द मिटिगेशन टू द इंफॉर्मेशन एसिमेट्रीज कि आप क्या क्या वेज से जो जैसे जैसे आप एक एक रीजन सोच रहे हो उस रीजन को मिटिगेट करने के लिए कोई एक सोल्यूशन भी सोचो. तो ऐसे करके इफ यू मेक अ नोट ऑन इंफॉर्मेशन एसिमेट्री अगेन कोई भी क्वेश्चन आने से यू विल हैव अ गुड बेस टू स्टार्ट योर आंसर. एम्स ऑफ रेगुलेशन, 2 मार्क्स के लिए अगेन लकी स्टूडेंट्स कैन गेट 2 मार्क्स के लिए डायरेक्टली व्हाट आर द एम्स ऑफ रेगुलेशन. फ्री मार्क्स फॉर यू बिकॉज वर्ड टू वर्ड यू मस्ट नो द 4 एम्स ऑफ रेगुलेशन बुक में है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस में भी है. फंक्शंस ऑफ रेगुलेटर्स अगेन एज अ सब पार्ट टू दैट क्वेश्चन
यू कैन ऑल्सो बी आस्क कि फंक्शंस ऑफ रेगुलेटर्स क्या होते हैं. तो एम्स एंड फंक्शंस में एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है. तो मेक श्योर यू आर मेंटेनिंग दैट डिफरेंस. बहुत स्ट्रांगली रिलेटेड भी है. यहाँ पे आई हैव एडेड, हाँ यहाँ पे आई हैव एडेड अ टेबल. रेगुलेटर्स आर वर्किंग ऑन रेगुलेशंस विथ एम्स टू. तो ये जो है दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ रेगुलेटर्स एंड एज वेल एज एम्स ऑफ रेगुलेटर्स. कि रेगुलेटर्स करना क्या चाह रहे हैं. तो पॉइंट्स सेम होंगे बट द वे यू वर्ड इट विल चेंज. क्लाइमेट रिलेटेड रेगुलेशंस सुपर इम्पोर्टेंट. एक्चुअली ये वाला जो टेबल है ये क्लाइमेट के ऊपर ही है. जो सेकेंड टेबल है आई हैव जस्ट फोकस्ड ऑन द क्लाइमेट रिलेटेड रेगुलेशंस. जनरल फंक्शंस ऑल्सो यू विल फाइंड इन द चैप्टर. ये वाला क्लाइमेट वाला इज सुपर इम्पोर्टेंट बिकॉज अभी ऊपर भी बोला क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है इन बोथ इंस्टीट्यूट IFOI ऑल्सो एंड IEI ऑल्सो. तो यहां से अगेन यू कैन इवन इफ द क्वेश्चन इज नॉट ऑन रेगुलेशंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आने से ये पॉइंट्स आपको हेल्प कर सकते हैं. प्रोज एंड कॉन्स ऑफ रेगुलेशन एंड ईच रिजीम. तो रेगुलेशंस इन इटसेल्फ का प्रोज एंड कॉन्स कि वेदर रेगुलेशंस शुड बी देयर और नॉट. केस स्टडीज भी आते हैं कि लेट्स से एक्सचेंज रेट हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया, इंटरेस्ट रेट्स हो गया, ये सब चीज के ऊपर भी हम लोग को रेगुलेशन लाने चाहिए कि नहीं लाने चाहिए. वॉट काइंड ऑफ रिजीम शुड बी फॉलोड इन डिफरेंट सिचुएशन. प्रोज एंड कॉन्स आई हैव गिवन अ रेफरेंस ऑल्सो. सेप्टेम्बर 2020 का पेपर वन का क्वेश्चन 9, उस दैट क्वेश्चन वॉज सिंपली प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच रेगुलेटरी रेजीम. ये चैप्टर में कहीं पे भी अलग से मेंशन नहीं है बट इफ यू गो थ्रू दिस आंसर यू विल हैव सॉलिड पॉइंट्स कि कोई भी रेगुलेटरी रेजीम्स आउट ऑफ ऑल दीज फर्स्ट वाले टेबल में है, कोई भी रेगुलेटरी रिजीम का क्या प्रोज है क्या कॉन्स है. ऑफ कोर्स सम ऑफ देम आर वेरी लॉजिकल बट सम पॉइंट्स होंगे जो आपको हो सकता है स्ट्राइक नहीं करे. आंसर पढ़ के यू आर गोइंग टू गेट इट. अच्छा ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आई हैव रेफर्ड टू आर फ्रॉम IFOA. IEI का पेपर्स के लिए आई विल बी टेकिंग आउट अ सेपरेट लिस्ट. IEI का पेपर्स में आई विल बी टेकिंग आउट टू लिस्ट. एक्चुअली एक ही लिस्ट निकालेंगे जो दोनों के लिए beneficial hoga, which means questions which I feel have good content in the answers. Theek hai, that list I will take out. I will Priyanka, it's written on the PPT itself. Question 9, September 20, paper 1. Theek hai, IEI ka that list I will take out. Jo IFO and IEI students dono ko karna chahiye. IEI students should solve every single IEI paper for at least the last six terms. At least last six terms I am saying. Try 10, 6 तो करना ही चाहिए. ठीक है तो इसलिए वन लिस्ट आई विल आई थिंक दैट शुड बी रेडी बाय नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक लेटेस्ट. तो उसमें आई विल कवर ऑल द टॉपिक्स एंड आई विल जस्ट से पेपर वाइज क्वेश्चन नंबर. ओके अगेन रेगुलेशन का फ्लो चार्ट है इसमें से यू कैन टेक आउट. आई थिंक इसमें प्रोज एंड कॉन्स भी थोड़ा सा इनकॉर्पोरेटेड है. कॉस्ट ऑफ रेगुलेशन ऊपर में आई हैड सेड प्रोज एंड कॉन्स ऑफ रेगुलेशन. उसका एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि व्हाट कैन बी द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग रेगुलेशन या इंट्रोड्यूसिंग रेगुलेशन. दैट इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन क्वेश्चन बिकॉज डायरेक्ट कॉस्ट भी होते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होते हैं. तो उसके लिए यू डोंट हैव टू गो थ्रू द एंटायर चैप्टर. ये फ्लो चार्ट से अगर आप कर लोगे तो इट इज मोर देन इनफ. इसलिए ऊपर में आई हैव नॉट मेंशन्ड इट सेपरेटली. ऊपर में जो जो मेंशन्ड है दैट आई वुड रेकमेंड कि आप चैप्टर खोल के वो वाला पार्ट को स्टडी करो. बाकी सब चीज आप फ्लो चार्ट से करो. ओके अच्छा अभी तक एनी डाउट्स एनीवन. And by doubts, I also mean कि कोई भी chapter, if you have recently revised it, तो अगर कोई भी concept में भी doubt आ रहे in any of the chapters. Everything is good to go till now. उत्सव इट्स नॉट रिटन कि कौन से सेक्शन से है बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी डिरेक्ट रेफरेंसेज टू द कंपाइलर. बट वट एवर आई हैव रिटन द की वर्ड्स
यू विल इजिली फाइंड इन द कंपाइलर. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है, वेन यू ओपन दिस चैप्टर, चैप्टर तो है अपने पास, रेगुलेशन वाला चैप्टर खोलते ही यू विल ऑटोमेटिकली फाइंड अ हेडिंग विद इन्फॉर्मेशन एसिमेट्रीज. ठीक है, तो वो वाला सेक्शन यू कैन स्टडी. ओके, नेक्स्ट कमिंग अप टू इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर नीड्स. अब ये वाला चैप्टर अगेन, नाउ द नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स आर एक्चुअली द रियल बेस विच आई वाज टॉकिंग अबाउट. क्योंकि एक्चुअल सीपी वन के पेपर्स में उन लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं एंड क्वेश्चंस पूछते हैं ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स. समटाइम्स दे मेक अ प्रोडक्ट ऑफ देयर ओन, समटाइम्स दे आस्क यू टू इम्प्लीमेंट अ न्यू प्रोडक्ट एंड उसके बारे में लिखना है उसको, या तो आगे जाके जब प्राइसिंग कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन ये सब करेंगे वो सब के ऊपर होते हैं. तो एक बेस इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स वर्क एंड नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स फोकस मेनली ऑन दैट. क्योंकि इसमें आपको एक पूरा आई वुड से इट्स लाइक अ बर्ड्स आई व्यू ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. फॉर दैट मैटर रिसेंटली आई अपियर्ड फॉर एन इंटरव्यू एंड उस इंटरव्यू में मेरे को एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा, लिस्ट एज मेनी प्रोडक्ट्स एज यू कैन फ्रॉम द लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस डोमेन्स. तो अगेन दिस वॉज लिटरली टू फुल चैप्टर्स ऑफ सीपी वन, क्योंकि उसमें इतना एग्जॉस्टिव लिस्ट है ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दैट देयर कैन बी. तो इट हेल्प्स ओवरऑल. ओके, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर एनी एक्चुअल कैंडिडेट. तो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर नीड्स. तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में ये जो लिस्ट है यहाँ पे विच आई हैव अटैच्ड, दिस लिस्ट इज इनफ फ्रॉम द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू इन दिस चैप्टर. ये वाला लिस्ट इफ यू डू यू आर गुड टू गो. ABS, MBS, which is asset backed securities and mortgage backed securities. Again, ये थोड़ा सा for some students it tends to be a little complicated, which is why institutes sometimes ask for short notes या फिर they give some short questions related to these. तो ABS, MBS, if you are very confident about the concept, then it is fine. If you are not, then you prepare a short note, and while preparing the short note, you will be able to grasp the concept better. And of course, agar nahi samajh mein aa raha hai, to doubt sessions mein you can always ask. We can re-explain the products. So that is also there. Uska summary you can make. Classification of needs, logical, emotional, current, future. Is pe bhi kabhi kabhi questions aate hain ki customer ke needs kya honge ya which needs will be fulfilled by this product. तो उसमें यू विल हैव टू नो कि व्हाट काइंड ऑफ नीड्स यू हैव टू टॉक अबाउट, या फिर व्हाट आर द क्लासिफिकेशन दैट यू हैव टू डू. बिकॉज अंटिल एंड अनलेस यू आर श्योर कि आपको क्या सब पॉइंट्स यूज करना है या पैराग्राफिंग कैसे करना है, इट बिकम्स टफ टू स्ट्रक्चर आर आंसर. तो इफ यू नो कि क्या क्लासिफिकेशन है उसके अंदर का आप प्रोडक्ट वाइज या सिचुएशन वाइज लिख सकते हो. इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स, थ्री प्रिंसिपल्स जो है उनके बारे में यू स्टडी फ्रॉम द मटेरियल. मटेरियल में पूरा अच्छे से थ्री प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन है विद एग्जांपल्स एंड एवरीथिंग. यू मस्ट गो थ्रू दैट. ये वाले फ्लो चार्ट में इन्वेस्ट इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स नहीं कवर्ड है, तो ये याद रखना दैट यू हैव टू गो थ्रू द चैप्टर ओनली फॉर दैट. उसके अलावा कस्टमर नीड्स का जो फोर क्लासिफिकेशन आई जस्ट टोल्ड यू कि लॉजिकल, इमोशनल, करंट एंड फ्यूचर, ये वाला क्लासिफिकेशन आप यहाँ से कर सकते हो. तो यू विल नो व्हाट काइंड ऑफ नीड टू पुट इनटू व्हिच हेड. एंड यहाँ पे प्रोडक्ट्स वाला पार्ट यू कैन स्किप बिकॉज आई हैव गिवन अ बेटर वर्जन ऑन द प्रीवियस स्लाइड. ये वाला टेबल से आपका सारा प्रोडक्ट्स कवर हो जाएगा. ओके, इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं करना है. बेसिकली इट इज दिस टेबल, दिस पार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट जो नीड्स वाला पार्ट है, एंड जाके बुक से या चैप्टर से यू हैव टू डू द इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स. ओके, बेनिफिट्स ओवरव्यू एंड प्रोवाइडर्स ऑफ बेनिफिट्स. इसमें टू वेरी वेरी की टॉपिक्स. फर्स्ट इज रोल ऑफ द स्टेट एज बेनिफिट प्रोवाइडर. इसके ऊपर आई हैव गिवन क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट ईयर्स एज वेल लिस्ट में. आई थिंक टोटल में थ्री क्वेश्चंस हैं जो रोल ऑफ स्टेट या फिर बेनिफिट्स बाय द स्टेट इनके ऊपर फोकस करते हैं.
which means ki it is a very important topic throughout exams. And second is defined benefit, defined contribution, and of course hybrid ya fir defined ambition scheme. ये तीनों का working एकदम properly समझना is important, क्योंकि उन लोग हो सकते हैं working पे नहीं पूछे, they can ask you about the risks कि फ्रॉम ईदर साइड कौन सा रिस्क कौन सा पार्टी बेयर करता है. दे कैन आस्क यू अबाउट प्राइसिंग. आगे जाके जितना भी चैप्टर्स है सब जगह डीबीएस डीसीएस बहुत कॉमन हो जाता है इन डिफरेंट वेज, कि उसका आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट, उसका फंडिंग, उसका प्राइसिंग, उसका कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन, ऑल ऑफ दीज चैप्टर्स विल रिक्वायर यू टू हैव अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ दीज वर्क. ओके, आई हैव मेंशन डीबीएस डीसीएस. I have mentioned DBS, DCS, but also DAS, which is Defined Ambition Scheme. State वाला part आपको chapter से करना है, because that is more important. And in fact, curriculum में there is a lot of content on state as a provider, so it is better that you read the entire thing. Employers and individuals, इसके अलावा financial organizations या financial institutes भी होते हैं. वो ठीक है, बट एम्प्लॉयर्स एंड इंडिविजुअल्स आल्सो एज प्रोवाइडर्स ऑफ बेनिफिट्स यू कैन डू जस्ट फ्रॉम दिस टेबल. इतना सा नोइंग अबाउट दीज टू इज इनफ. यू हैव द फ्लो चार्ट ऑल्सो यहाँ पे. फ्लो चार्ट में अगेन निमोनिक्स भी है, बट निमोनिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ये रहा टाइप्स ऑफ पेंशन स्कीम इन द येलो बॉक्स. यहाँ से यू कैन हैव अ वन लाइनर ऑफ हाउ द प्रोडक्ट वर्क्स. अगेन आगे भी अभी हम लोग एल आई जी आई प्रोडक्ट करेंगे. वन लाइनर फॉर एवरी प्रोडक्ट, वन टू टू सेंटेंसेज में बीइंग एबल टू एक्सप्लेन व्हाट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट है. वी विल बी डूइंग अ केस स्टडी ऑल्सो ऑन इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग पे जाएंगे. वहां पे भी जो कभी भी कोई प्रोडक्ट के बारे में, अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन आए, तो यू मस्ट बिगिन योर आंसर एक्सप्लेनिंग व्हाट दैट प्रोडक्ट इज. आपको उसके लिए मार्क्स मिले नहीं मिले इज अ सेपरेट थिंग. कभी कभी उन लोग मार्क्स रखते हैं, कभी कभी उन लोग मार्क्स नहीं भी रखते हैं उसके लिए. बट यू मस्ट राइट एटलीस्ट वन टू टू लाइन्स एक्सप्लेनिंग व्हाट द प्रोडक्ट इज. ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है. मेन प्रोवाइडर्स एज आई सेड फोर होते हैं एंड फाइव में अदर्स है. तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस. स्टेट वाला खाली आप बुक खोल के करोगे, उसके अलावा बुक खोल के आपको कुछ भी नहीं करना है. ओके, नेक्स्ट वी कम टू द एल आई प्रोडक्ट और द लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट. लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में क्रिटिकल इलनेस कवर एंड लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस, टू प्रोडक्ट जो थोड़े से डिफरेंट है, मतलब हल्का सा नॉन स्टैंडर्ड है, बिकॉज वी हैव नॉट फोकस्ड ऑन दीज प्रोडक्ट अलॉट इन द प्रीवियस पेपर्स. तो इसीलिए ये वाला आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, क्योंकि इसमें हो सकता है कि इफ यू आर नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद दीज प्रोडक्ट्स यू माइट वांट टू नो मोर अबाउट देम. इसलिए आई हैव रिटन दीज. उसके बाद देयर इज वन मोर क्लासिफिकेशन ऑफ एलआई प्रोडक्ट्स, जहां पे विद प्रॉफिट, विदाउट प्रॉफिट, यूनिट लिंक्ड एंड ऑल दैट है. उसमें विथ प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट एंड यूनिट लिंक्ड प्रोडक्ट, यूनिट लिंक्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये टू के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में. डायग्राम में आई हैव ऑल्सो गिवन यूनिट लिंक पॉलिसीज या यूनिट लिंक प्रोडक्ट्स के बारे में कि हाउ दे वर्क. इट इज लाइक अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ यूएलपीज वर्क एंड ब्रीफ व्यू ऑफ ऑल प्रोडक्ट फीचर्स एंड नीड्स मेट. हर प्रोडक्ट के बारे में एज आई सेड जो टू लाइन्स है वो वन टू टू लाइन्स आपको जानना होगा एंड यू हैव टू नो कि क्या नीड्स मीट हो रहे हैं उस प्रोडक्ट से, विच मीन्स दैट वाई आर वी सेलिंग द प्रोडक्ट. ऑफकोर्स इफ वी हैव इंट्रोड्यूस्ड समथिंग, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इट टू सर्व और केटर टू सम सॉर्ट ऑफ नीड. तो वॉट इज दैट नीड, इसके लिए आई थिंक शायद बुक के चैप्टर के एंड में समरी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस टेबल इज मेड. एटलीस्ट इफ नॉट फॉर ऑल, फॉर सम प्रोडक्ट डेफिनेटली इट इज देयर. तो यू कैन रेफर टू दैट एज वेल. जी आई प्रोडक्ट्स में कॉन्सेप्चुअली शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, अच्छा ये वाला टेबल को आप लोग प्लीज इग्नोर करो, ये यहाँ पे नहीं आएगा ये पिक्चर, ये पहले का है. शॉर्ट टेल वर्सेज लॉन्ग टेल के बीच में डिफरेंस यू हैव टू नो, बिकॉज अगेन कॉन्सेप्चुअली इम्पोर्टेंट टॉपिक. टाइप्स ऑफ रिजर्व अगेन कॉन्सेप्चुअली इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये भी जी आई वाले चैप्टर में लिखा हुआ है एक जगह में. इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एंड की रिस्क फॉर
डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ये आगे जाके भी जब हम लोग इन्वेस्टमेंट वाला सेक्शन करेंगे तब भी हम लोग को वहां पे क्वेश्चंस में काम आएगा कि कोई भी एक प्रोडक्ट का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसे फॉर्म होता है. बिकॉज यू हैव टू एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, विच मीन्स इफ यू आर चूजिंग द एसेट्स, वी नो दे हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ रिलेशन टू द लायबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. तो जब तक आप प्रोडक्ट को नहीं समझोगे आप उसको लायबिलिटीज के कैसे समझोगे. तो वो लायबिलिटीज को अंडरस्टैंड करके जो रिस्क है, बिकॉज टू रीजंस मेन होते हैं इन्वेस्टमेंट का, एक है लायबिलिटीज मीट करना, एक होता है रिस्क को हेज करना. अपार्ट फ्रॉम दैट वो होता है सरप्लस इन्वेस्टमेंट टू जेनरेट मोर रिटर्न्स, दैट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द बिजनेस. That is completely independent of the business. But dependent on the business are these two activities. One is to match your liabilities, you have to be able to meet your liabilities. And second is to be able to hedge any risks that are coming your way. So for example, agar longevity risk hai, to uske liye aapko matching koi asset rakhna hoga apne portfolio mein, which is going to help you hedge that risk. Cyber insurance again, kafi आया है रिसेंट टर्म्स में. आई हैव ऑल्सो नॉट मेंशन स्मार्ट वेरेबल्स एंड टेलीमैटिक्स क्योंकि ये बुक में एज सच या चैप्टर में एज सच कवर्ड नहीं है, बट दैट इज ऑल्सो अनदर टॉपिक विच यू कैन स्टडी अबाउट कि स्मार्ट वेरेबल्स एंड टेलीमैटिक्स कैसे हेल्प कर सकता है इन डिफरेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स. ओके, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ प्रोडक्ट्स, अगेन सेम थिंग कि क्या प्रोडक्ट है, क्या नीड मीट हो रहा है, वो चीज आपको देखना होगा, उसका लिस्ट बनाना होगा. यहाँ पे देर इज अ समरी ऑफ ऑल LI प्रोडक्ट्स, ऑफ द मेन LI प्रोडक्ट्स एंड द मेन GI प्रोडक्ट्स. GI प्रोडक्ट्स का भी क्लासिफिकेशन किया हुआ है, 5 क्लासिफिकेशन, एंड उनके अंदर में दे हैव लिस्टेड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट कैन फॉल. तो रिस्क क्लासिफिकेशन फॉर LI वर्सेज GI, दिस अगेन दिस सेक्शन कैन बी अ गुड क्वेश्चन एज वेल इन एन एग्जाम कि आप LI और GI प्रोडक्ट्स के जनरल रिस्क के बीच में डिफ्रेंशिएट करो. तो दिस ऑल्सो यू कैन डू बिकॉज ऑफकोर्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स डिफरेंट बेसिस पे बोथ द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स डिफर. सो यहाँ पे वो कंबाइन किया हुआ है वो वाले पॉइंट्स, एंड यहाँ से यू विल गेट अ ब्रीफ ओवरव्यू या फिर अ वन लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ वॉट एवरी प्रोडक्ट इज. ओके, so any doubts anyone? We are pretty much on time. सारा chapters का हम लोग का markings हो गया, discussions हो गया. Now यहाँ पे आपका रेफरेंस क्वेश्चंस है फ्रॉम द कंपाइलर. एज आई हैड सेड कि कंपाइलर से सारा क्वेश्चंस करना जरूरी नहीं है जो मटेरियल में बैक क्वेश्चंस होते हैं. दिस लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस इफ यू डू इट, ये सब में एडिशनल पॉइंट्स है जो चैप्टर में नहीं है, उससे ज्यादा एडिशनल पॉइंट्स है विच विल हेल्प यू जेनरेट मोर आइडियाज. एंड ये होमवर्क वाला सेक्शन इज बेसिकली द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट कवर्स ऑल द इम्पोर्टेंट एरियाज फ्रॉम पास्ट पेपर्स. ठीक है, तो ये वाला है. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन सॉल्विंग, सो ये रहा, ये 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 questions hai. Yes, there are the entire PPT will be shared with you after the class. So, all the summaries and everything will be there with you. After every session, we will share the presentation. Theek hai? So, now what I will do is, there are 4 slides. I will give you all 10 minutes per slide. एक स्लाइड पे जितना क्वेश्चन है वो मिला के उतना ही टाइम लगना चाहिए. 10 मिनट्स पर स्लाइड आई विल बी गिविंग. ऑल ऑफ यू इधर अपना फोन में या लैपटॉप व्हिच एवर डिवाइस यू आर यूजिंग उसमें यू स्टार्ट मेकिंग अ लिस्ट, और इफ यू वांट टू यूज पेन एंड पेपर यू कैन डू दैट एज वेल. आई वुड सजेस्ट कि डिवाइस में करो ताकि आप लोग पॉइंट्स जब चैट बॉक्स में भेजो तो इट्स इजियर फॉर यू. ट्राई एंड जेनरेट एज मेनी पॉइंट्स फॉर द क्वेश्चंस दैट आर गिवन. After that, we will be having a discussion
एंड वी विल बी सीइंग कि क्या क्या पॉइंट्स सब लिखे हैं. वी विल बी गेटिंग एन आइडिया ऑफ पॉइंट्स वी हैव नॉट बीन एबल टू थिंक ऑफ एज इंडिविजुअल्स, तो और पॉइंट्स मिलेंगे. एंड देन आई विल बी आई डोंट हैव द सॉल्यूशंस इन दिस पीपीटी बट आई हैव द सॉल्यूशंस विथ मी. उसको भी हम लोग देखेंगे इन केस वी हैव नॉट बीन एबल टू मैच द इंस्टीट्यूशंस थॉट्स ऑल्सो इन सम क्वेश्चंस. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. इट्स 9:47 राइट नाउ and this slide is pretty easy also. So 9:55 pe I will be shifting to the next slide. So tab tak you all can work on these two questions. Define information asymmetry. Explain why there may be information asymmetry between insurance company and policy holders. And third product mein they have spoken about third part mein they have spoken about three products jinke beech mein information asymmetry mitigate karna hai. तो दैट मीन्स हम लोग को प्रोडक्ट एक्सप्लेन भी करना होगा, हम लोग को बताना होगा क्या इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री होगा, एंड देन वी टॉक अबाउट हाउ टू मिटिगेट ईच ऑफ देम. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. फर्स्ट पार्ट इज एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट कैन हैव इम्प्लिकेशंस. इंश्योरेंस कंपनी हैज बीन सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ पेंशन प्रोडक्ट्स अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ कंट्रीज फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स. तो keywords again whenever you are doing questions in CP1 make sure you are always underlining or at least registering the keywords in every question क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा बट क्वेश्चन खुद समटाइम्स हम लोग को हिंट्स देता है कि हाउ टू गो अबाउट फॉर्मिंग द आंसर. तो फॉर एग्जांपल ये वाले में आई कैन सी कि यहाँ पे कीवर्ड्स है कि वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है. नंबर टू पेंशन रिलेटेड हम लोग को सोचना होगा क्योंकि पेंशन प्रोडक्ट्स है. थर्ड इज कंट्रीज, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन पर्टिक्युलर कंट्री, इट इज अक्रॉस कंट्रीज. तो ग्लोबल रिस्क भी या ग्लोबल फैक्टर्स भी हम लोग को इनकॉर्पोरेट करना होगा. एंड नंबर ऑफ इयर्स इज अगेन अनदर कीवर्ड व्हिच मींस दैट इट इज नॉट अ न्यू कंपनी, इट इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी. तो डिस्कस हाउ ईच ऑफ द एस्पेक्ट्स, ये वाला को आप लोग कंबाइन करके एक ही लिख सकते हो कि आप फर्स्ट पार्ट में खाली हम लोग को फैक्टर लिखना था, सेकेंड पार्ट में एक्सप्लेन करना है, तो यू कैन जस्ट लिस्ट द फैक्टर्स एंड ऑल्सो एक्सप्लेन एट द सेम टाइम हाउ इट इज अफेक्टिंग द पर्टिकुलर कंपनी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट.
I hope everyone is done with these two questions. बाद में ऑफ कोर्स पॉइंट्स आएगा तो यू कैन कीप एडिंग, बट एक बार के लिए तुरंत जितना पॉइंट्स आ रहा है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेट. इसमें अगेन टू क्वेश्चंस है. एन एक्चुअरियल कंसल्टेंसी इज गिविंग एडवाइस टू अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दैट इज डिजाइनिंग अ रिटायरमेंट इनकम प्रोडक्ट फॉर कस्टमर्स. लिस्ट द स्टेक होल्डर्स हु कुड बी अफेक्टेड बाय द एक्चुअरियल एडवाइस, हाउ दे कुड बी अफेक्टेड, एंड थर्डली आउटलाइन द इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दैट शुड बी सॉट इन ऑर्डर टू बी एबल टू गिव एडवाइस. तो टू है स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड द थर्ड पार्ट इज आस्किंग अस कि एज प्रोफेशनल्स व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन शुड वी हैव अबाउट द कंपनी सो दैट वी आर एबल टू गिव प्रॉपर एडवाइस. नेक्स्ट इज लीगल एक्शन इज बींग टेकन बाय फॉर्मर प्रोफेशनल प्लेयर्स ऑफ अ मेजर नेशनल स्पोर्ट for long-term health issues related to past head injuries which they suffered while playing the sport. The legal action is being taken against the sports club owners who employed the players. You have been asked to provide advice to the club owners on structuring a settlement scheme to make payments to the former players. Discuss how an actuary can contribute to structuring the settlement scheme. So as I had said ki bahut bar un log directly nahi bolenge ACC use karne. बट यहाँ पे सिंस दे हैव आस्क्ड अस एज एक्चुअरीज टू हेल्प इन अ प्रॉब्लम और हेल्प डेवलप समथिंग, वी वुड बी एक्चुअली रिक्वायरिंग द एसीसी ओनली. तो नेचुरली दिस इज अ क्वेश्चन ऑन एसीसी जहाँ पे यू हैव टू लुक एट द डिफरेंट एस्पेक्ट, द फाइव एस्पेक्ट्स ऑफ एसीसी एंड टॉक अबाउट दोज फाइव एस्पेक्ट्स इन रिलेशन टू दिस सिचुएशन. ठीक है, तो अगेन लेट्स टेक 10 मिनट्स अराउंड टू डू दीज टू क्वेश्चंस. Moving on to the next set of questions. A large insurance company which has been selling various personal lines products for many years is now considering selling travel insurance. First part is outline the advantages and disadvantages of selling product directly and using travel agents to sell the product. So, ye again koi specific topic ke upar nahi hai, it's just general ideas ke liye. And second part is the insurance company has invited an airline to act as a distribution channel. Discuss the impact on the insurance company's business model of selling travel insurance through the airline. So basically three different channels ka baat kiya hai. First is khud bechna, second is travel agents ke through, and third is koi airline ke through. Next question is suggest with reasons types of insurance that the government of a country may require its citizens to hold. So again, this question is just to take an idea of the different LIGI products ki kya kya compulsion ho sakta hai, which means ki government mandate kar sakta hai wo sab products and reasons for the same. So it will basically be a quick revision of the different kinds of products that can be. Lastly, an individual has changed employer. The new employer offers their employees a choice of pension arrangements. The new employee can choose to join the DBS or the DCS. Outline the factors the individual will need to consider before making their choice. Again, this is not a very direct question, but you will have to have a good understanding of DBS and DCS ताकि आप ये question को approach कर पाओ. Okay? तो ये three questions करो.
चलो लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बड़ा केस स्टडी है। अ गवर्नमेंट ओन पोस्टल सर्विस हैज अंटिल रिसेंटली एंजॉयड अ मोनोपोली ऑन द डिलीवरी ऑफ लेटर्स एंड पार्सल्स विद इन अ कंट्री। अकॉर्डिंगली द टर्म्स दे ऑपरेट अंडर आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। इन पर्टिकुलर द प्राइस दे चार्ज द प्राइस दे कैन चार्ज इज सेट बाय द गवर्नमेंट। दे मस्ट गारंटी टू डिलीवर टू एवरी एड्रेस इन द कंट्री। द प्राइस चार्ज मस्ट बी द सेम फॉर एवरी डिलीवरी इरिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस और रिमोटनेस। दैट इज दे कैन नॉट चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिलीवरी टू डिफरेंट एड्रेसेस। कॉम्पिटिशन इज नाउ अलाउड। कमर्शियल कंपनीज हैव एंटर्ड द मार्केट बट दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द प्राइस एंड डिलीवरी कंस्ट्रेंट्स दैट अप्लाई टू द गवर्नमेंट ओन पोस्टल सर्विस। That is, competitors can charge what they like for each delivery and they do not have to deliver to every address. Outline the main risks that all postal delivery companies would need to have cover for under their employer's liability and public liability insurance policies. So, two main products ke baare mein baat ho raha hai, as employers and public liability is as sellers of a product. To unko kya kya risks ko cover karna hoga isme? Second part is describe how the different application of the price and delivery constraints may affect the profitability of the government postal service in this competitive environment. Thirdly, state one example for each of how increased use of the internet could be beneficial and detrimental to postal delivery companies. तो सेकेंड पार्ट में हम लोग को बात करना है कि ये जो कंस्ट्रेंट्स है हाउ इज इट गोइंग टू अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी। एंड थर्ड पार्ट में दे हैव आस्क्ड अस जस्ट वन वन लाइन कि इंटरनेट का इसमें क्या रोल होगा। वन पॉजिटिव रोल एंड वन नेगेटिव रोल। ओके सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसके लिए। एट 10:25 वी विल बी ओपनिंग डिस्कशन फॉर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है
चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, डिफाइन इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव बीन एबल टू डू, तो आई विल जस्ट से एक बार। बेसिकली इंफॉर्मेशन एसिमेट्री इज व्हेन वन ऑफ द पार्टीज हैज मोर इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड टू देयर एडवांटेज, बेसिकली इंफॉर्मेशन दैट इज रेलिवेंट, एंड द अदर पार्टी ईदर डज नॉट हैव द इंफॉर्मेशन और डज नॉट हैव द सेम लेवल और द सेम इन डेप्थ ऑफ द सेम इन डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, सेकेंड पार्ट इज एक्सप्लेन व्हाई देयर मे बी इंफॉर्मेशन एसिमेट्री बिटवीन एन इंश्योरेंस कंपनी एंड इट्स पॉलिसी होल्डर्स। तो गिव योर पॉइंट्स, क्या क्या रीजंस आप लोग को लगता है कि हो सकता है फॉर इंफॉर्मेशन एसिमेट्री फ्रॉम बोथ पॉइंट्स ऑफ व्यूज, एक इंश्योरेंस कंपनी के पास जब ज्यादा इंफॉर्मेशन हो एंड पॉलिसी होल्डर के पास जब ज्यादा इंफॉर्मेशन हो। एक सेकेंड, अपना कैमरा इज नॉट वर्किंग, आई जस्ट कम। आई ऑडिबल क्लियरली नाउ? ओके, सो लेट्स क्विकली गो थ्रू द पॉइंट्स यू ऑल हैव रिटन। इतना सारा पॉइंट्स आया, आई थिंक हम लोग सब कवर कर ही लेंगे।
So, because of long-term nature of insurance, hence information collected by underwriting might not capture all aspects. Okay. Complicated nature of insurance products, difficult to comprehend for policyholder. ठीक है. Lack of access to proper source of information. Most policyholders don't know about regulatory requirements, which are for safeguarding their interests, right? Moral hazard or adverse selection. Okay. Moral hazard, adverse selection is not exactly an information asymmetry per se. It is more like a result of information asymmetry, you can say. Okay, Ritam? कि होता क्या है? मॉरल हैजर्ड होता है दैट एक पर्सन को पता है दैट उसके पास पॉलिसी है, दैट इज व्हाई ही इज डूइंग सम एक्शंस दैट वुड एक्चुअली दैट माइट रिजल्ट इन अ क्लेम, या फिर ही इज डूइंग दोज एक्शंस बिकॉज ही हैज इट इन द बैक ऑफ द माइंड दैट द इंश्योरेंस कंपनी विल पे फॉर इट. तो ये इंफॉर्मेशन एसिमेट्री का एक रिजल्ट हुआ दैट बिकॉज द पॉलिसी होल्डर नोज दैट इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट गेट टू नो एंड द इंश्योरेंस कंपनी विल स्टिल फाइल दैट क्लेम और मीट दैट क्लेम, इसीलिए ही हैज दैट एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ डूइंग दैट एक्टिविटी. ओके, बिकॉज द इंश्योरेंस कंपनी विल हैव मोर इन डेप्थ नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट हाउ इट्स बीन डेवलप्ड, राइट चार्जेस इन द फुट नोट विच मे बी मिस, द कंपनी मे नॉट डिस्क्लोज ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन. आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप ये पॉइंट लिखो दैट द कंपनी मे नॉट डिस्क्लोज ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन बिकॉज दिस इज नॉट लीगल एग्जैक्टली. तो इसलिए ये वाला पॉइंट को शैली ट्राई टू अवॉइड. यू कैन डेफिनेटली से रीवर्ड इट एंड से समथिंग लाइक दे मे नॉट क्लियरली गिव ऑल द इंफॉर्मेशन, दे माइट हैव एम्बिग्विटी इन देयर वर्डिंग्स, ऐसे करके यू कैन राइट, बट डोंट से दैट दे हैव कंप्लीटली स्किप्ड सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स. वेयर एज द पॉलिसी होल्डर हैज मोर नॉलेज अबाउट देयर हेल्थ, दे विल टेक आउट कॉन्ट्रैक्ट वेन दे बिलीव द रिस्क इज हायर देन द इंश्योरेंस कंपनी हैज अलाउड. ओके, इंश्योरेंस कंपनी मे हैव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स एंड एक्सपेंसेस दैन वॉट इज शेयर विद द कस्टमर्स. कस्टमर्स मे शेयर लेस और अनट्रूथफुल इंफॉर्मेशन अबाउट देम सेल्स. ठीक है, केसेस वेयर पॉलिसी होल्डर्स हैव मोर इन्फॉर्मेशन, पॉलिसी होल्डर्स वेन दे फील दैट कॉस्ट ऑफ रिस्क इज हायर एज कम्पेयर टू प्रीमियम्स पेड, लीडिंग टू एंटी सिलेक्शन, राइट. इन केस ऑफ ऑप्शन एंड गारंटीज, हु आर एट एडवांटेज विल गेन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, ओनली टेक दीज अप. ओके, केसेस वे इंश्योरेंस कंपनी कॉम्प्लेक्स पॉलिसी डिजाइन एंड टर्म्स नॉट क्लियरली अंडरस्टूड बाय अनसोफिस्टिकेटेड पॉलिसी होल्डर्स इन इट्स प्रीमियम फॉर इंस्टेंस विल एक्सरसाइज दे गेन फ्रॉम इट. वन मेजर चैलेंजेस व्हेन दे स्टार्टेड एक्टिंग इन डिफरेंट एक्टिंग डिफरेंटली आफ्टर टेकिंग द पॉलिसी. ओके, मॉरल हैजर्ड. ठीक है, एज एन एग्जाम्पल यू गिवन. ओके फाइन. Questions asked by insurance company may not be detailed enough to bring out all information correct. May not disclose important information to get better deal, low premium, more information about own health status, financial needs, low financial sophistication, find it harder to understand complexities. ये वाला जो last point है ये flip side होगा. यहाँ पे you are talking about more information which policy holders have. तो दिस पॉइंट शुड कम इंश्योरेंस कंपनीज वाले पार्ट में. दे हैव मोर नेगोशिएटिंग पावर, अंडरस्टैंड्स द कॉम्प्लेक्सिटी, मे नॉट डिस्क्लोज ऑल एक्सपेंसेस टर्म्स एंड कंडीशंस. अगेन वर्डिंग थोड़ा सा चेंज करना है. इंफॉर्मेशन अवेलेबल मे बी इन कोहोर्ट और समरी फॉर्मेट एंड नॉट इंडिविजुअल बेसिस, राइट. ओके, एनी अदर पॉइंट्स एनीवन? आई थिंक हम लोग काफी पॉइंट्स कवर कर चुके हैं. Why there may be information asymmetry, city lack of financial sophistication. Right, so we've covered everything. Let's look at the next part: endowment assurance, long-term care, and product liability. I will quickly say ki tino product kya kya hota hai. Endowment assurance is basic. 1 second. Ha.
एंडाउमेंट अश्योरेंस होता है व्हेन द बेनिफिट इज पेड ऑन सर्वाइवल एज वेल एज डेथ, व्हिच मींस इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स. तो नोन डेट या फिर स्पेसिफाइड डेट तक सर्वाइव करो तो तब मिल जाएगा. अगर उसके पहले डेथ हो जाता है तो फिर ऑन डेथ यू गेट द बेनिफिट, दैट इज एंडाउमेंट अश्योरेंस. तो इसीलिए इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटेक्शन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट या फिर प्रोटेक्शन एज वेल एज सेविंग्स. अगेन दिस इज ऑल्सो वन थिंग विच यू शुड ट्राई एंड राइट स्पेशली इन एल आई प्रोडक्ट, कि वेदर इट्स अ प्रोटेक्शन व्हीकल और एन इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स व्हीकल, बिकॉज ये बहुत मैटर करते हैं. ओके, इट इज लाइक अ वेरी की फीचर ऑफ द प्रोडक्ट. नेक्स्ट वी हैव लॉन्ग टर्म केयर कॉन्ट्रैक्ट. लॉन्ग टर्म केयर कॉन्ट्रैक्ट होता है जब यूजली होम केयर के लिए होता है इंस्टेड ऑफ नर्सिंग होम्स. तो दे आर फॉर पीपल हु आर नॉट वेल और हु आर इल. मोस्टली इट्स दीज कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट पोस्ट रिटायरमेंट एंड ओल्ड एज में ज्यादा हेल्प करता है, मतलब ओल्ड एज में दे आर मोर प्रेवलेंट. सो दैट इज लॉन्ग टर्म केयर कॉन्ट्रैक्ट. ये याद रखना कि नर्सिंग होम्स के लिए लॉन्ग टर्म केयर नहीं होता है. एक्चुअली नर्सिंग होम के लिए भी हो सकता है, बट यूजली होम के लिए ज्यादा होता है. इट मीट्स द एक्सपेंसेस ऑफ एनी काइंड ऑफ केयर. बट हाँ, ओल्ड एज यू हैव टू रिमेम्बर. प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस. प्रोडक्ट लाइबिलिटी इज वेन एवर यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट, तो एनी काइंड ऑफ लाइबिलिटी दैट कैन अराइज बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ सच प्रोडक्ट. तो जो भी इंश्योर्ड पर्सन है, यूजली इट्स द मैन्युफैक्चरर जो इंश्योर्ड पर्सन होता है, एंड कोई भी डिफेक्ट या कोई भी कॉम्पोजिशन के कारण अगर थर्ड पार्टी को एनी काइंड ऑफ इंजरी, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम फेस बाय द थर्ड पार्टी इज इंडेमनिफाइड बाय द इंश्योरेंस कंपनी. ठीक है, तो ये हो गया तीनों प्रोडक्ट्स. नाउ व्हाट आर द एसिमेट्रीज एंड हाउ कैन दे बी मिटिगेटेड, ये एवरी वन कैन राइट. सो यू कैन स्टार्ट राइटिंग. यस, ये वाला पार्ट का कोई नहीं लिख रहा आंसर. एंडाउमेंट इंश्योरेंस, क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ ऑफ द इंश्योर्ड, क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ द बेनिफिट टू बी रिसीव्ड बाय द इंश्योर्ड, amount of discretionary benefits in case it is a with profit contract. Clear communication, amount of, ठीक है. लॉन्ग टर्म केयर में सिंस दीज प्रोडक्ट्स आर फॉर पीपल हु आर रिटायर्ड एंड ओल्ड, इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, पर्टिकुलरली इफ दे हैव एनी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज. ओके, it is also important to know if they have any other monetary support, right? This is a very important point ki they might be having monetary support already but they are not showing it. Reduce information asymmetry by sharing details about endowment policy such as end date, calculation of say expenses such as parachute. Detailed questionnaire to fill out before entering includes latest medical setup, family history, etc. Long-term care mein defining in detail what is included. Yes, inclusions and exclusions should be very clear. Upper cost limit on medical bills, nursing care, medical conditions considered for long-term care. Okay. Others?
No one else has any other points? Product liability insurance, clear information on packaging of the product about the usage. Okay, ठीक है. ओके देन सिंस हाँ खुशी In long-term care, can we write that defining if the benefits will be inflation-linked or a constant amount per month will be better to reduce information asymmetry? Will that be a valid point? This is more like a feature of the policy. So information asymmetry may help nahi karega ye exactly. Because information asymmetry we are talking about ki information same hona chahiye dono ke paas. So if it is whether it is supposed to be inflation linked or whether it is supposed to be completely nominal terms mein ya real terms mein, ye sab cheez to part of the product design hoga. So had it been a question on product design, then you could have included this point. Yahan pe not so added. Okay, thanks. Okay. No one else? Theek hai. Then, I mean, what can we do? But please, जो भी पॉइंट आ रहा है एटलीस्ट समथिंग यू ऑल शुड राइट. एकदम बेसिक पॉइंट्स भी नहीं है. अदर्स कुड हैव जस्ट रिटन द वेरी बेसिक पॉइंट्स ऑल्सो लाइक इंक्रीजिंग एजुकेशन, इंक्रीजिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल सोफिस्टिकेशन अमंग कस्टमर्स, मोर रेगुलेशन एज टू वर्डिंग्स, नो एम्बिगुअस वर्डिंग्स. ये सब तो बिल्कुल स्टैंडर्ड पॉइंट्स है फॉर इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री. इट डज नॉट इवन मैटर कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट का बात हो रहा है. Even if it's not contract specific, this is something that's across all contracts, right? So endowment, so general mein they have spoken about regulation related to disclosure requirements, requirement to treat customers fairly, provision for unfair terms in insurance contracts to be set aside. Then they've spoken about educating the customers and price controls. Again, price control, very important regulation. Keep putting limits on charges या फिर getting transparency in the calculation of charges, controls over selling practices like commission scales, right to terminate sales processes, cooling off period. Cooling off period is one more very good point for information asymmetry. Mitigating asymmetries exhibited by policy holders ke liye, there is of course initial underwriting and claims underwriting या फिर claims management. इनिशियली आप अंडरराइट करो अच्छे से एंड जब क्लेम्स आए तो उनको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करो एंड देन ओनली एडमिट द क्लेम. फॉर एंडाउमेंट अश्योरेंस स्पेसिफिक पॉइंट्स होगा रिक्वायरमेंट टू कम्युनिकेट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन की समवन स्पोक अबाउट द डिस्क्रिशनरी बेनिफिट्स सो वो वाला. रेगुलेशन रिगार्डिंग लेवल्स ऑफ चार्जेस सरेंडर बेनिफिट्स टू बी इन लाइन विद एनी मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड. तो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन से कंसिस्टेंट होना चाहिए वट एवर इज हैपनिंग. रिक्वायरमेंट वेयर रेलिवेंट टू डिस्क्लोज इट्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉर द पॉलिसी होल्डर्स फंड. सो अगेन डिस्क्लोजर फॉर इन्वेस्टमेंट. अब ये जो है दिस पॉइंट अगेन नॉट फॉर ऑल पॉलिसीज ओनली पॉलिसीज. दिस वन इज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल एज वेल एंडाउमेंट अश्योरेंस. इसीलिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है. इफ यू आर गोइंग फॉर अ टर्म अश्योरेंस या टर्म अश्योरेंस के बारे में इफ यू हैव टू राइट, वहां पे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी नहीं लिख सकते क्योंकि वहां पे दैट इज अ प्योरली प्रोटेक्शन व्हीकल. तो वहां पे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डज नॉट मैटर. मिटिगेटिंग एसिमेट्रीज एग्जिबिटेड बाय पॉलिसी होल्डर्स में ऑफकोर्स अर्ली डेथ्स कंसर्न है. तो प्रॉपर अंडर राइटिंग, नॉलेज अबाउट हेल्थ एंड स्टैंडर्ड लाइफ है कि नॉन स्टैंडर्ड लाइफ है ये डिटरमाइन करना. तो उसके लिए ऑफकोर्स अंडर राइटिंग होगा. अच्छा फाइनेंशियल अंडर राइटिंग क्या होता है? एनी वन वॉट्स फाइनेंशियल अंडर राइटिंग? कितना बेनिफिट देना चाहिए डिपेंडिंग ऑन नॉट टू हाई और टू लो फाइन. बट वॉट डू वी सी, हाउ डू वी डिसाइड कितना बेनिफिट देना चाहिए?
इनकम स्टेटस, क्रेडिट स्कोर, लाइफस्टाइल, राइट, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पॉलिसी होल्डर को बेसिकली समझना है, क्योंकि अगर हम लोग ज्यादा बेनिफिट देंगे तो नेचुरली प्रीमियम भी ज्यादा चाहिए होगा, वो प्रीमियम ही वो पे नहीं कर पाया तो ऐसी गॉन. तो राइट, ओवर इंश्योरेंस के लिए फाइनेंशियल अंडर राइटिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. लॉन्ग टर्म केयर में दे हैव स्पोकन अबाउट प्लेन इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज एंड डॉक्यूमेंटेशन, रेगुलेशन कंसर्निंग कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस. पॉलिसी होल्डर्स की तरफ से नंबर ऑफ पीपल नीडिंग केयर्स, क्लेम ड्यूरेशन, उसके लिए अगेन अंडर राइटिंग है, क्लेम्स अंडर राइटिंग है. मॉनिटरिंग द क्लेम्स, मॉनिटरिंग इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज समवन स्पोक अबाउट द मॉनिटरी पोजिशन, तो मॉनिटरी पोजिशन कैन इम्प्रूव ऑल्सो विथ टाइम, हो सकता है विथ टाइम यू हैव मोर पीपल टू टेक केयर ऑफ यू, विच इज वाई यू आर नॉट इनकरिंग दैट मच ऑफ एक्सपेंसिस, या फिर योर हेल्थ बिकम्स बेटर विच रिजल्ट इन लोअर केयर रिक्वायर्ड. So that's why monitoring is important. And lastly, they have also spoken about a waiting period. The waiting period hoga ki jaise hi policy liya, waise you cannot claim. So that is also an important aspect for many policies. Product liability mein, they have spoken about greater understanding of risks than the policy holder. From the insurance company point of view, तो इसीलिए regulation, clear terms and conditions होना चाहिए. And from the policy holder's point of view, mitigation options would be understanding how or where the product is produced and what quality controls are in place. This no one mentioned, a very very valid point कि कोई भी product का, if you are giving product liability insurance for any product, it means you are indirectly vouching for that product. So if you are vouching for something, you must have a proper background check of the product, ki wo kya circumstances mein build hua hai, what is the quality, proper quality controls hai ki nahin. Collecting information on past history of manufacturing goods. And lastly, excesses, maximum payouts and exclusions. This also someone mentioned ki inclusions and exclusions clear hona chahiye in policy documentation. Okay, कोई भी doubt? Clear to everyone this question? Next part देखते हैं. This one's on external environment. क्या क्या है? What are the aspects of external environment you've listed for this product? नियरली सारा ही पॉइंट्स इसमें होगा. कैपिटल एडिक्वेसी एंड सॉल्वेंसी, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स अफेक्टेड बाय ऑप्शंस एंड गारंटीज, स्टेट बेनिफिट्स विल अफेक्ट द कंपनीज बेनिफिट्स अमाउंट, क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स लॉन्जिविटी एंड इल हेल्थ. If competitor terms are better, company may lose good employees and may not be able to attract new quality employees. Okay, so यहाँ पे competition में you've spoken from a customer point of view also and an employee point of view also, खुशी. कि एक है to retain your customers and the other one is to retain your employees. I hope you are not मिक्सिंग अप द टू, मतलब अगर ये क्लैरिटी है देन इट्स कम्प्लीटली वैलिड एज अ पॉइंट. आई एम टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉयज स्पेसिफिकली हियर, वेयर इन द करंट एम्प्लॉयज माइट स्विच टू अनदर कंपनी हु आर ऑफरिंग बेटर टर्म्स एंड द न्यू एम्प्लॉयज वोंट प्रेफर दिस एज अ गुड कंपनी इफ दे आर गेटिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज एल्सवेयर इन टर्म्स ऑफ पेंशन प्रोडक्ट्स. सो बोथ केसेस एम्प्लॉयज ओनली. नहीं तो फिर यहाँ पे वे आर गोइंग रॉन्ग इज आई थिंक यू आर टेकिंग दिस टू बी बेसिकली ये इंश्योरेंस कंपनी है. द प्रोवाइडर इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, द प्रोवाइडर इज नॉट द एम्प्लॉयर. ओके हाँ, इसीलिए दैट्स व्हाई आई आस्क यू, बिकॉज फ्रॉम व्हाट यू हैव रिटन इट लुक लाइक यू आर अज्यूमिंग द एम्प्लॉयर टू बी द प्रोवाइडर ऑफ बेनिफिट, बट यहाँ पे एक इंश्योरेंस कंपनी दे रहा है बेनिफिट. ठीक है,
और बोलो और क्या पॉइंट्स है अभी तक? वी हैव जस्ट डन फोर. अंडरराइटिंग साइकिल शेली, व्हाट्स अंडरराइटिंग साइकिल? बोलो, अंडरराइटिंग साइकिल क्या होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर दिस चैप्टर. एक्चुअली लिखना भी चाहिए था कि नोइंग साइकिल वेयर द कंपनी गो फ्रॉम बूम टू रिसेशन. एनी कंपनी? अंडरराइटिंग साइकिल इज अ वेरी स्पेसिफिक साइकिल. ऐसे तो बिजनेस साइकिल होता है, बट यस, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए अंडरराइटिंग साइकिल्स होते हैं बिकॉज देयर प्रीमियम्स फ्लक्चुएट विद टाइम. ओके, ठीक है. अंडरराइटिंग साइकिल, रेगुलेशन, टैक्स, हाउ विल टैक्स अफेक्ट द प्रोडक्ट? ये वाले उसमें बिकॉज हाउ भी लिखना है ना, तो इसीलिए जो जो आई एम थिंकिंग कि हाउ लिखने में थोड़ा सा ट्विस्ट हो सकता है. हाउ इज टैक्स गोइंग टू प्ले अ रोल हियर? एनी वन कैन से, इट्स नॉट नेसेसरी कि शैली लिखे तो शैली ओनली हैज टू से. कोई भी बोल सकता है हाउ इज टैक्स गोइंग टू प्ले. गवर्नमेंट में प्रोवाइड टैक्स बेनिफिट्स. ओके, वन मोर थिंग विच यू कैन राइट इज डेफिनेटली टैक्स बेनिफिट्स होगा. प्लस यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट, सिंस नंबर ऑफ कंट्रीज है, तो यू कैन इवन टॉक अबाउट द डिफरेंस इन टैक्सेशन अमंग कंट्रीज. कि इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरी कंट्री हैज द सेम गिव्स द सेम टैक्स स्टेटस टू सच प्रोडक्ट्स. ओके, सो दैट इज ऑल्सो देम. उसके बाद डेमोग्राफिक, हाँ, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सोशल कल्चरल. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का क्या इफेक्ट होगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एंड इवन डेमोग्राफिक का. हाँ, बट हाउ विल इट अफेक्ट द प्रोडक्ट? डिफरेंट कंट्रीज विल हैव डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दैट इज फाइन, बट वो प्रोडक्ट को कैसे अफेक्ट करेगा? मोर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मोर एक्सपेंसेस, तो प्रोडक्ट को हम लोग को अकॉर्डिंगली वी विल हैव टू अकाउंट फॉर द एक्सपेंसेस. इट विल डायरेक्टली हैव एन इम्पैक्ट ऑन द एक्सपेंसेस. प्लस इट कैन ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी और सिंप्लिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि इफ द अकाउंटिंग रेट सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो नेचुरली वी विल नॉट वॉन्ट टू मेक द प्रोडक्ट ऑल्सो दैट कॉम्प्लिकेटेड कि उसका अकाउंटिंग करने में प्रॉब्लम हो. एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेन, येस, दैट ऑल्सो यू कैन राइट उसमें. इफ देर इज इंक्रीजिंग लॉन्जिविटी रेट्स ड्यू टू गुड मेडिकल सर्विसेज, लार्ज अमाउंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स नीड टू बी पेड. करेक्ट, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स में ये होगा बिकॉज लॉन्जिविटी रेट्स ऑल्सो, नॉट जस्ट लॉन्जिविटी रेट्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑल्सो यू कैन टॉक अबाउट. ओके, सो नाउ लेट्स सी इन लोग क्या क्या लिखे हैं. ऐसे तो देव गिवन ऑल द पॉइंट्स जो होते हैं. आई विल जस्ट पिकअप द पॉइंट जिसमें द इन अंदर का कंटेंट इज वेरी हाई फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. They've spoken a lot about regulation and legislation, primarily because इसमें regulation will impact directly, costs पे impact होगा, product design पे impact होगा, documentation पे impact होगा, तो इसीलिए regulation and legislation is very important external factor. इकोनॉमिक आउटलुक ऑल्सो इज समथिंग जो हम लोग जनरली स्किप कर देते हैं, बिकॉज इकोनॉमिक आउटलुक विल टॉक अबाउट एक्सचेंज रेट्स. एक्सचेंज रेट्स क्योंकि मल्टीपल कंट्रीज है, फॉरेन रिलेशंस क्या है, एक्सचेंज रेट्स कैसे होंगे,
ऑफ कोर्स अगर कोई कंट्री के साथ बिजनेस रिलेशंस आर गुड देन फॉर दैट पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी इट वुड बी बेनिफिशियल टू इंट्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट्स इन दैट कंट्री. देन देयर इज ओवरसीज के बारे में भी नो वन हैज स्पोकन जबकि ये स्पेसिफाइड कि नंबर ऑफ कंट्रीज है तो अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग एक्सपीरियंसेस. कैपिटल एडोकेसी हो गया, डेमोग्राफिक हो गया, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट बिकॉज काफी इयर्स से द इंश्योरेंस कंपनी हैज बीन सेलिंग विच मीन्स दैट देयर मस्ट हैव बीन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स. तो इसीलिए हाउ टू इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी, हाउ टेक्नोलॉजी से अंडर राइटिंग प्रोसेस बहुत शॉर्टन हो सकता है सो दैट यू कैन टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी से यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द पॉलिसी होल्डर्स, वो हो सकता है. ऑनलाइन एक्सेस टू चेकिंग फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, इफ दे गेट ऑनलाइन एक्सेस टू देयर प्रोडक्ट्स दैट कैन ऑल्सो बी अ गुड थिंग. इन लोग और क्या लिखे हैं, एक्सप्लॉइट फ्यूचर टेक, सेल्फ सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ऑफकोर्स, ऑनलाइन सेल्स चैनल्स अनदर थिंग टेक्नोलॉजी से आएगा. ओके बाकी पॉइंट्स तो बेसिक ही लग रहा है काफी. नेक्स्ट वाला देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जब किए थे तो लाइन से एकदम इतने सारे जन लिख दिए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन से पता नहीं क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट के बाद से एवरीवन स्टार्टेड लूजिंग इंटरेस्ट. एंड एक्चुअली कंसल्टेंसी गिविंग एडवाइस टू लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसमें हम लोग को स्टेक होल्डर्स का बात करना, टाइम नहीं मिला, यही तो बात है. एग्जाम में भी यही होगा फिर, क्योंकि अभी तो खाली ऊपर ऊपर से सोचना था. आई तो टोल्ड यू ऑल कि यू ऑल डोंट हैव टू थिंक ऑफ अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, तुरंत जितना पॉइंट्स आ रहे हैं उतना करने का कोशिश करो, ठीक है? और जो नहीं हो पा रहा है उसको एक बार के लिए स्किप करो. नेक्स्ट क्लास से मेक इट अ पॉइंट कि जो टाइम मिल रहा है उसमें जितना हो पाए यू शुड बी एबल टू ब्रेनस्टॉर्म वेरी क्विकली. ओके धीरे धीरे होगा, अभी तो फर्स्ट क्लास है, वी हैव मेनी सेशंस, धीरे धीरे यू विल कैच अप. तो बोलो स्टेक होल्डर्स कौन कौन है इसमें एंड हाउ आर दे अफेक्टेड. Prospective customers, current policy holders, regulators, government, creditors, shareholders, the actuarial consultancy, employees, competitors, ठीक है. In this fine, then we have directors, actuaries of life insurance product, existing potential. Directors will have to allocate resources to sell, manage and develop this product. Shareholders concerned about profitability. Actuaries of existing products would want to review the working to ensure working is consistent. Existing customers understand if resource shift. Potential customers looking for product details. Regulators se aapka cut gaya hai. You can write, paste again aage se. Address the needs affordable, not to be unfair to current customers so that they are dissatisfied and may lapse current policies to take out the new one. Yes, good point. New policy follows all legislative requirements. How state benefits will be affected? If company is taking out more credit for new policy, which will affect their profitability, profitable policy or not, reputational harm. Acha Khushi, you've written good points. बट द स्ट्रक्चर ऑफ योर आंसर इज नॉट वेरी आइडियल. बाकी लोग का भी आप आंसर देखो तो यहाँ पे इन योर आंसर यू हैव स्पोकन अबाउट हाउ योर एडवाइस इज गोइंग टू अफेक्ट इन जनरल, बट क्वेश्चन वॉन्टेड वेरी स्पेसिफिकली कि कौन कौन स्टेक होल्डर्स है एंड हर एक स्टेक होल्डर को कौन सा वाला इफेक्ट फील होगा. You've written all the effects, but you will have to relate them to individual stakeholders. So, for example, last mein jo reputational harm hai, that reputational harm will not affect everyone. It will mainly affect. Yes, actually, I had written the list on the above part, and simultaneously, I had written the effects line by line. So, my answer is not gone that way.
So this reputation harm will affect the consultancy if their actuary's advice is not यस appropriate. यस ठीक है. तो एज लॉन्ग एज यू नो कि वैसे फॉर्म करना है, इट्स ऑल गुड. पॉलिसी होल्डर लेवल ऑफ बेनिफिट्स आफ्टर रिटायरमेंट, डायरेक्टर्स वॉल्यूम ऑफ न्यू बिजनेस, शेयर होल्डर्स लेवल ऑफ डिविडेंड, री इंश्योरर, नो वन एल्स हैज स्पोकन अबाउट. री इंश्योरर होंगे, री इंश्योरेंस नीडेड, गवर्नमेंट लेवल ऑफ टैक्सेस अर्नड, एम्प्लॉइज, जॉब सिक्योरिटी, रेगुलेटर्स. ठीक है. पोटेंशियल पॉलिसी होल्डर, शेयर होल्डर्स, बीओडी, एम्प्लॉइज, जॉब सिक्योरिटी, इफ रिस्की प्रोडक्ट लीड्स टू इंसॉल्वेंसी, राइट, कंपेटिटर्स, एग्जिस्टिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स अफेक्टेड बाय दिस. ठीक है. लेट मी जस्ट सी यहाँ पे भी एक बार. शेयर होल्डर्स, पॉलिसी होल्डर्स, एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स, गवर्नमेंट, रेगुलेटर, इंश्योरर, प्रोफेशनल एडवाइजर्स. ठीक है. सो गुड इनफ नंबर ऑफ पॉइंट्स. नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट इसका की इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी दैट इज रिक्वायर्ड, रिस्क एपेटाइट, करंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, करंट रिस्क मैनेजमेंट टूल्स, एक्सपेंस एनालिसिस, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सेक्शंस ऑफ ऑपरेशंस डन इन हाउस वर्सेस आउटसोर्सिंग, बैलेंस शीट पोजिशंस. करंट एएल पोजीशन, रिस्क एपेटाइट, टारगेट कस्टमर, एम प्रॉफिट है कि मार्केट शेयर है, टैक्स स्टेटस, इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंसेस, इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक डोमेन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट, पास्ट एंड करंट, शुड हैव मीटिंग विद क्लाइंट टू इंश्योर. अच्छा शेरी, द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर आंसर नॉट वेरी वैलिड ओवर हियर बिकॉज इन लोग सोर्सेज नहीं पूछे. तो वॉट इंफॉर्मेशन इज द क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर, ये आगे जाके बाकी बुकलेट्स में आएगा सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा एंड ऑल में. बट यहाँ पे इट इज, इवन इफ यू वॉन्ट टू राइट दीज पॉइंट, पुट देम नीचे की तरफ बिकॉज दे आर लेस इम्पोर्टेंट. मेन क्वेश्चन कुछ और है. तो वेन एवर एन एग्जामिनर विल सी, इफ द एग्जामिनर स्टार्ट सीइंग दैट यू बिगन योर आंसर विद इररेलेवेंट पॉइंट्स, तो एक इम्प्रेशन खराब पड़ता है. ओके. तो अगर ये सब लिखना है तो बाद में लिखो कि ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल सकते हैं. इंफॉर्मेशन, वॉट टाइप ऑफ कंपनी, म्यूचुअल, सोल प्रोप्राइटर, लिमिटेड लाइबिलिटी, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग रिटायरमेंट प्रोडक्ट, फ्री एसेट्स रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट लाइन, एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग. ठीक है. ओके. एनीथिंग एल्स एनी वन? नो वन हैज स्पोकन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कि कहाँ कहाँ से सेल होते हैं या क्या कहाँ कहाँ से हो सकता है. Let's see, और क्या है. रिस्क एपेटाइट यू स्पोकन अबाउट, री इंश्योरेंस ऑल्सो इज वन मोर पॉइंट जो यहाँ पे नो वन हैज मेंशन. रिक्वायर्ड कैपिटल फंडिंग के बारे में एवरी वन स्पोकन, बैलेंस शीट रेशियोज एंड एवरीथिंग, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट रेंज, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, स्किल्ड स्टाफ एंड एडमिन सिस्टम, इंश्योरेंस टारगेट मार्केट, अगेन वी स्पोकन अबाउट. ठीक है. लीगल एक्शन इज बीइंग टेकन बाय फॉर्मर प्रोफेशनल प्लेयर्स. अच्छा, ये एसीसी वाला क्वेश्चन था कि हाउ विल एसीसी हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग और सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. फाइव मिनट्स में आप करते, कल करते. जिसके बाद का जो फोर क्वेश्चंस है दैट वी विल डू नेक्स्ट क्लास में बिकॉज आई बिलीव यू ऑल हैव अनदर क्लास. तो आई डोंट वांट टू कीप यू अप बहुत टाइम तक. टुमारो वी विल स्टार्ट ऑन टाइम सो दैट वी कैन डू विथ ईज. ये वाला क्वेश्चन लेट्स डिस्कस, एसीसी वाला. अगेन आई बिलीव बहुत कम लोग किए होंगे.
specify the loss for players because of head injuries, extent of damage, type of damage, medical care needed, loss of potential earnings, loss of general well-being, number of such incidences, frequency, severity, time since injury, time lapse expected since injury and settlement, costs of rehabilitation and medical care, opportunity cost of potential earning, inflation, projected medical care, potential future earning growth cut short because of injury. अच्छा ठीक है, ऑल योर पॉइंट्स आर गुड, बट एसीसी के फॉर्म में उसको सेग्रीगेट करना होगा बिकॉज दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड एसीसी क्वेश्चन. तो यहाँ पे यू विल हैव टू सी की स्पेसिफाई द प्रॉब्लम में, जैसे टाइप ऑफ डैमेज, एक्सटेंट ऑफ डैमेज, ये सब सारा चीज स्पेसिफाई द प्रॉब्लम में होगा. डेवलपिंग द सोल्यूशन में यू विल हैव टू टॉक अबाउट मोर ऑफ द कॉस्ट एंड एवरीथिंग, की क्या कॉस्ट होगा, क्या प्रोजेक्शन चाहिए होंगे, वो सब होगा. इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग, ये सब सारा चीज डेवलपिंग द सोल्यूशन में आएगा. एंड देन फाइनली मॉनिटरिंग के ऊपर यू विल हैव टू राइट, यू विल हैव टू कीप मॉनिटरिंग द एक्सपीरियंस एनालिसिस एंड वेदर how the product is working overall, external environment and professionalism ke upar also thoda thoda you will have to write, but mainly specify the problem and developing the solution pe you will have to focus isme. Professionalism also again standard you will have to write ki actually has to maintain apna profession sara standards ke sath adhere karna hoga, and jo bhi new product hoga that should be as per regulations and all that. ठीक है, एनी अदर पॉइंट एनीवन हैज? तो ऑल क्लियर व्हाट एवर वी हैव डन टुडे? एनी डाउट्स एनीवन? अच्छा, नाउ दैट वी हैड वन सेशन, डू यू फाइंड दिस स्ट्रक्चर हेल्पफुल? डू यू वॉन्ट एनी चेंजेस इन दिस स्ट्रक्चर? तो हम लोग कल से थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं. यू वॉन्ट मी टू डू मोर ऑफ समथिंग, लेस ऑफ समथिंग? ओके फाइन, वी कैन डू क्वेश्चन वाइज. As and when I give you time, then after each slide we'll discuss also, right? Can do. Any other suggestions? ठीक है. Longer classes once other sessions are complete. Yes, definitely we will have longer classes. But अभी तक I know that all of you are yet to complete your curriculum, so that's why I don't want to stretch my classes for very long. I want Sancheti sir also to do the classes. हाँ, 3-4 chapters. I know. Probably next weekend से या फिर next to next weekend से we will increase the duration of the classes. Because then I will be taking over. So we can have 2 hours, then a break, and then another 1 hour or something. ऐसे करके we can do. Okay. So then let's keep it till here today. Thank you so much all of you.